गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। और ये पुरानी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और जिनके रिमेडिकल बच्चे थे रिमेडिकल भी हो चुके हैं और ज्वाइनिंग भी होने लगी है। तो ये बात तो है पुरानी भर्ती की, तो इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो आपको जो नया पैटर्न फिजिकल में दिया गया है कि जैसे कि आपको एक नोटिफिकेशन निकला था, वो विभाग का खुद इंटरनली नोटिफिकेशन था जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है और वो सही भी है। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि आपको फिजिकल के नंबर भी दिए जाएंगे, तो वो सही बात है। अब जो पुलिस कांस्टेबल, मैं यहाँ सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फिजिकल के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स कर दिए हैं और रिटर्न के मार्क्स भी 100 मार्क्स रखे हैं उन्होंने। 50-50 मतलब यहाँ पर कर दिया है कि 50 नंबर आपको फिजिकल के दिए जाएंगे और 50% आपको फिजिकल उसके रिटर्न के दिए जाएंगे। तो रिटर्न में तो कोई बदलाव नहीं है, रिटर्न जैसा पहले आता था, 40 नंबर का रीजनिंग और GS का पोर्शन और 30 नंबर का रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन। जैसे दो तरीके की रीजनिंग आती है इसमें, एक एनालिटिकल आती है और एक लॉजिकल आती है। तो दोनों तरह की रीजनिंग है, एक 30 नंबर वाले पार्ट में है, एक 40 नंबर वाले पार्ट में है। और लास्ट में जो पार्ट बचता है 30 मार्क्स का, उसमें साइंस है और जनरल मैथ है, उसमें थोड़ा एडवांस का लेवल रहता है। और तो इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न है। तो उस पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, जैसा था वैसा ही है। और रही बात फिजिकल के लिए कट ऑफ की, तो निश्चित तौर पर इस बार फिजिकल के लिए कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, जितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई करे हो, जितने मार्क्स आपने क्वालिफाई के लिए, आपने जैसे फिजिकल के लिए कट ऑफ गई, उसके बाद सिर्फ आपका बचता था कि फिजिकल होने के बाद आपकी मेरिट लगनी थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार फिजिकल के मार्क्स भी उसमें जुड़ने वाले हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स होंगे पहले जितने लिए जाते थे उसके अकॉर्डिंग इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा लिए जाएंगे वैकेंसी के। पहले 3 गुना लिए जाते थे शायद, या 2.39 टाइम्स ऐसे कुछ लिए जाते थे, लेकिन इस बार जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा लिए जाएंगे क्योंकि फिजिकल के मार्क्स भी उसमें जुड़ने हैं। तो मेरा मुद्दा यहाँ पर रिटन टेस्ट के बारे में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि रिटन टेस्ट वही है जो पहले होता था, वही सेम पैटर्न है, वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है रिटन टेस्ट में। अगर बदलाव है तो सिर्फ एक है, फिजिकल मार्क्स में। तो फिजिकल के मार्क्स किस प्रकार से होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 30% रखे हैं, मतलब कि 100 में से 30 मार्क्स लेके आने हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आप अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर लाते हैं और आप अगर रिटर्न में 90 मार्क्स भी लाते हैं, तब भी आपके सिलेक्शन होने के मेरे हिसाब से 0% चांस है। कोई आपके चांस बनते नहीं है कि आप रिटर्न में अगर 90 नंबर लिया, मैं तो कह रहा हूँ आप रिटर्न में 100 मार्क्स लिया और यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आप पास होके फिजिकल से जाओ, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है फिजिकल में जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पुराने हिसाब से जो हमने जो भर्ती दी है, पुराने लड़कों ने अभी जो लास्ट में जो भर्ती गई है उन्होंने जो भर्ती दी है, उनके हिसाब से जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग जो नेचर था फिजिकल का, अगर उतने पे भी अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम कितने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, तो ये सब मैंने लिख के रखा है। ऐसे मुझे याद नहीं रहेगा, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फेल कितने पे होंगे, मतलब आपको 0 मार्क्स कितने पे मिलेंगे। अगर आपने रनिंग 3.18 मिनट से ज़्यादा में कवर किया, मतलब 3:20 या 3:18 के बाद अगर आप रनिंग पूरी करते हैं 800 मीटर की, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद अगर लॉन्ग जंप में आपने 2.96 मीटर से कम अगर करते हो आप लॉन्ग जंप, जो कि शायद ही कोई होगा, मुझे नहीं लगता कोई होगा ऐसा, तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर गोला आपने 3.83 मीटर से कम फेंका, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए 0 मार्क्स वाले पे, क्योंकि अगर आप 0 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है ये वीडियो देखने का। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि मेरिट लिस्ट के लिए जो ज़रूरी मार्क्स रहते हैं वो क्या रहेंगे। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अभी तक जो फिजिकल देते आए हैं और जितने
मिनिमम जो क्राइटेरिया था उस पर अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम कितने मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे फिजिकल में, और उसके हिसाब से फिर हमको रिटर्न में कितनी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी कि रिटर्न में हम कितने मार्क्स बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, पहले क्या था कि 165 सेकंड का समय मिलता था हमको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 800 मीटर 2.45 मिनट का टाइम था 800 मीटर का, जिससे कि हम क्वालिफाई हो जाते थे, फेल नहीं होते थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 165 सेकंड अगर हम अभी क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमको मात्र 19 मार्क्स मिलेंगे, 40 में से 19 नंबर आप ला पाएंगे। अगर आप पिछले पैटर्न के हिसाब से अगर 165 सेकंड में अगर आप दौड़ पूरी कर रहे हैं तो 19 मार्क्स ये जोड़ लीजिए। पहले लॉन्ग जंप का था 3.96 मीटर जो कि 13 फीट के समथिंग रहता है, तो पहले अगर आप 13 फीट पहले के हिसाब से अगर 13 फीट आपकी लॉन्ग जंप है तो आप 12 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, 19 मार्क्स रनिंग के 12 मार्क्स लॉन्ग जंप के। ये मैं मिनिमम क्वालिफाइंग बता रहा हूँ जो कि पुराने पैटर्न के हिसाब से क्राइटेरिया था पास होने के लिए, ठीक है। और पहले गोला कितना था, 5.79 मीटर था, जिसके कि अभी आपको 13 मार्क्स मिलेंगे जो कि 19 फीट के समथिंग होता है, 19 फीट ही रहता है, और 19 फीट अगर आप गोला फेंक रहे हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। तो इनको जोड़ लीजिए 19, 12 और 13, तो अभी आपके ये बन रहे हैं 44 मार्क्स बन रहे हैं। तो 44 मार्क्स आप ले पाएंगे अगर आप पुराने पैटर्न के हिसाब से मिनिमम पैटर्न को क्वालिफाई कर रहे हैं, मिनिमम क्राइटेरिया को। तो इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि 44 मार्क्स फिजिकल में मिनिमम आपने ले ली और आपके 80 मार्क्स रिटर्न में भी आ गए, तो 80 और 44 कितने होते हैं, 124। तो 124 मार्क्स मेरे हिसाब से सफिशियंट नहीं है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक रनिंग को अगर छोड़ दिया जाए ना, अगर रनिंग को आप स्किप कर दो, बाकी गोला फेंक और जो लॉन्ग जंप है, तो बहुत से लड़के ऐसे रहते हैं कि लॉन्ग जंप में बहुत सही रहते हैं, तो 18 फीट मैक्सिमम लॉन्ग जंप है जो कि कतई ज़्यादा नहीं है। 18 फीट तो जो नए लड़के रहते हैं ना, 19-20 साल के जो लड़के तैयारी कर रहे हैं और जो पुलिस में जाने का सपना देख रहे हैं, तो 18 फीट तो मैं मानता हूँ 18 फीट कोई ज़्यादा नहीं है। तो वो लड़के जब पूरे मार्क्स लेके आएंगे तो आपको कहीं तो कवर करना पड़ेगा, आपको या तो रनिंग में कवर करना पड़ेगा, या आपको गोला फेंक में कवर करना पड़ेगा, या आपको रिटर्न में कवर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा जो आपको कहीं आप अगर कवर कर सकते हो तो वो सिर्फ गोला फेंक और लॉन्ग जंप में कवर कर सकते हो, क्योंकि रनिंग मेरे हिसाब से जो 2 मिनट 45 सेकंड रहती थी वो भी बहुत आड़ पड़ती थी, जैसा कि आप जानते हैं 2016 वाली भर्ती में पूरे लड़के पास नहीं हो पाए थे रनिंग में। तो रनिंग इतनी आसान नहीं है कि आप 2:45 में इतनी आसानी से कर जाओगे, हालांकि 3:18 तक पासिंग है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो जाओगे, पास हो गए भी फेल हो जाओगे अगर आप इतना लेट रनिंग करोगे। तो मेरे हिसाब से जो आपको सिलेक्शन के लिए जो रनिंग की प्रिपरेशन करनी है तो वो आपको 2 मिनट 30 सेकंड तो मिनिमम करनी ही करनी है, जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाओ। अगर मान लीजिए आपने अगर 2 मिनट 30 सेकंड में, एक सेकंड मैंने लिख के रखा था, हाँ 2 मिनट 30 सेकंड या 2 मिनट 35 सेकंड में अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे 26, ठीक है। मैं तो कहता हूँ इससे भी कम की प्रैक्टिस करिए, अगर आपका 2:20 में आता है ना तो आपको 30 प्लस मार्क्स मिलेंगे और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, अगर आप रिटर्न में 75 मार्क्स भी लाते हैं तो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने रनिंग 2:30 में कर दी तो 2:30 के मार्क्स मिले आपको 26, और आपने गोला जो शॉर्ट पुट फेंकते हैं आपने 19 नहीं आपने 24 स्पीड फेंक दिया, 23 स्पीड फेंक दिया, 24 स्पीड फेंक दिया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 22, ठीक है। और आपने लॉन्ग जंप अगर मान लो कि अगर कोई अच्छा है लॉन्ग जंप में, तो मैं कहता हूँ लॉन्ग जंप एक इसमें सबसे सरल इवेंट है जिसमें कि 60-70% लोग 18 फीट मार सकते हैं। अगर आप 18 भी नहीं मारते तो 16 तो आप मार ही दोगे, अगर आपने 16 फीट मार दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे 22 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गोला 24 फीट फेंका तब भी आपको 22 मिलेंगे, और आपने अगर लॉन्ग जंप जो है 16 फीट अगर आपने लॉन्ग जंप की तब भी आपको 22 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 70 मार्क्स
70 मार्क्स आप ले आएंगे, जो मैंने मेरे हिसाब से बताया है उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे। 2:30 में आपको रनिंग करनी है, 24 फीट आपको गोला फेंकना है और 16 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी है। अगर आपने अगर ये कर लिया तो आप 70 मार्क्स फिजिकल में सिक्योर कर लेंगे। और यहीं आपने अगर 75 से 80 मार्क्स, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग बता रहा हूँ मैं, 75 प्लस मेरिट जाने वाली है जो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके 75% से अब मार्क्स होंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें भी आप अगर 80 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, 80 इसमें 70 उसमें, 150 से ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी हाई मेरिट बता रहा हूँ आपका, आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम मिनिमम क्वालिफाइंग पे अगर पास होके गए और हम मेरिट में आ जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। और कोई अगर आपको बता भी रहा है तो सिर्फ आपको क्या बोलते हैं उसको गलत रास्ते से आपको भटका रहा है, आपको गलत रास्ता दिखा रहा है। तो सही बात मैं आपको बता के दे रहा हूँ, जैसा कि हमने देखा था यूपी पुलिस वाली भर्ती में, जो 100 मार्क्स का जो फिजिकल था उसमें 70% लोग जिन्होंने 100 नंबर का फिजिकल किया था उनका नंबर आया था फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट में। और जो 85% मार्क्स रिटर्न में ला के भी फेल हो गए थे, जिन्होंने डिलाई कर दी थी कि नहीं नहीं हम तो 60 मार्क्स ले आएंगे तो हम तो पास हो जाएंगे, हमारे तो 240 मार्क्स हैं, हमारे 250 मार्क्स हैं, तो वो लोग फेल हो चुके थे। और 212 नंबर रिटर्न में ला के और 100 नंबर फिजिकल में ला के, 214-215 ला के और रिटर्न में और फिजिकल में 100 नंबर ला के वो अभी जॉब कर रहे हैं। 2013 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं यूपी पुलिस की। तो आप फिजिकल को इतना हल्के में ना लें, फिजिकल इसका मेन फैक्टर रहेगा सिलेक्शन के लिए, रिटर्न में कुछ नहीं है। रिटर्न में आजकल सब मार्क्स लेके आते हैं और सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मेन फैक्टर है वो फिजिकल है। फिजिकल ही डिसाइड करेगा आपका कि आपको आपका सिलेक्शन फाइनल होगा या नहीं होगा। तो अगर मैंने जो बताया है उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं और उस हिसाब से आप 70 मार्क्स अगर ले आते हैं फिजिकल में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं सब इंस्पेक्टर के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का भी पैटर्न जो है चेंज हुआ, उसका पैटर्न पूरा रिटर्न का भी चेंज हो गया है और फिजिकल का भी चेंज हो गया है, उसका पूरा सारा पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसकी बात बाद में करते हैं। और रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन या तो अगले मंथ आ जाएगा या अगले मंथ नहीं तो जुलाई में तो आ ही जाएगा 100%। जुलाई से पहले ही आने की संभावना है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। हालांकि चुनाव होने से अगर भर्ती प्रक्रिया अगर चालू हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आचार संहिता लग जाती है तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, वो एक अलग मुद्दा है। अपन बात यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की कर रहे हैं, और अगर सिलेक्शन पाना है तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और रिटर्न की भी आपको मैं कह रहा हूँ, रिटर्न भी कम मत लेना कि रिटर्न में हम 70 मार्क्स ले आएंगे तो हो जाएंगे। रिटर्न में 70 मार्क्स लगा के हो सकता है आपके भाग्य अच्छे हों तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन फिर उतना ही एफर्ट आपको फिजिकल में देना पड़ेगा जितना कि यहाँ पर आपने कम दिया है। तो किसी को भी हल्के में मत लीजिए, रिटर्न भी उतना ही ज़रूरी है और फिजिकल भी उतना ही ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना। आप दोनों चीज़ों को अगर साथ में लेके चलोगे आपका सिलेक्शन श्योर है, निश्चित हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी भाइयों का सिलेक्शन होगा, हालांकि सभी का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जितनी वैकेंसी आएंगी उतना ही हो पाएगा, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो हो ही जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक मेरी तरफ से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।